मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर पर अमर प्रेम की नगरी मांडव के प्राकृतिक घटाओं के बीच हरियाली आनंद के साथ पर्यटकों द्वारा अपने पूरे परिवार के साथ हर्षो उल्लास में मांडव घूमकर आनंद ले रहे हैं। इस अमर प्रेम की नगरी में बाहरी राज्यों से भी हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। साथ ही कुछ पर्यटक द्वारा सरकार से अच्छी व्यवस्था को लेकर भी बताया। देखने वाली बात यह है कि सरकार कितना कुछ मांडू को बदलने का काम करेगी, जो कि देश विदेश से पर्यटक आते हैं, और कितना आकर्षक मांडू को और बनाया जा सकता है। धार से राजेंद्र बघेल की रिपोर्ट। थोड़ा सा पार्किंग का इशू है, पार्किंग काफी दूर है, और बच्चों को लाने ले जाने के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ ई रिक्शा वगैरह इस टाइप की अगर व्यवस्था कर दे, यार पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, अगर ई रिक्शा या कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे जो वहाँ से यहाँ छोड़ दे और यहाँ से वहाँ ले जा, चाहे वो भले आप अपन उसको चार्जेबल कर दे, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या भाई, अगर अपनी जो ओरिजिनल वाली प्रॉब्लम उसको भी अगर चार्जेबल कर दिया जाए तो यहाँ जो सुविधा में और चार चांद लग सकते, क्योंकि कनेक्टिविटी वाइज तो आप देखिए कि धार से बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी हो गई है, रोड वगैरह सारे बहुत बढ़िया है, साफ सफाई भी अच्छी है, और आपका सब चीज़ें बढ़िया, सिर्फ दो तीन चीज़ें ठीक ऐसी है जो अपन इसको रिकवर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।